जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कुलसुम फातिमा और आप देख रहे हैं बिहार टीवी। एक अंगरसराय प्रखंड अंतर्गत आने वाले पंचायतों में पांचवें चरण में चुनाव संपन्न होना है। नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, ऐसे में प्रत्याशी अभी से डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान में जुट गए हैं। प्रखंड क्षेत्र के जमुआवा पंचायत से वैजयंती माला मुखिया प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं। प्रत्याशी पति अशोक यादव ने बताया कि निवर्तमान मुखिया के पति ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त है, सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को धरातल पर उतारने में काफी कोताही बरती गई है, ऐसे में जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। इस बार पंचायत की जनता बदलाव के मूड में नजर आ रही है। जनता के आग्रह पर ही वैजयंती माला चुनावी देवी में मैदान में चुनावी मैदान में आई हैं। नामांकन के दौरान भी निवर्तमान मुखिया के द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया था। सत्ता संरक्षण के कारण अधिकारियों ने इस पर संज्ञान नहीं लिया। बावजूद इस बार जनता निवर्तमान मुखिया को सबक सिखाने के तैयार है और आने वाले चुनाव में जनप्रतिनिधि के तौर पर वैजयंती को माला को चुनने का काम करेगी। कौन सा पंचायत है और आप किस पद से इस बार चुनावी मैदान में? मैं एकंगरसराय ब्लॉक में जमुआमा पंचायत का नाम है। यहाँ से पूर्व मुखिया मेरी पत्नी थी, उसका नेतृत्व मैंने जनप्रतिनिधि के नेतृत्व मैंने उन्हीं का काम सब मैं देखभाल करता हूँ। और अबर बीच में हम कुछ वोट से हार गए थे, अबर फिर पूरा जोश खरोश के साथ हम चुनावी मैदान में हूँ। और मेरा एजेंडा है पंचायत में हमारा जल नल का कार्य या नाली गाली का कार्य या वृद्धा पेंशन वगैरह अनेक प्रकार का समस्या हमारे पंचायत में जो है उसको हम अपने स्तर से पुरजोर मेहनत करके सब लोगों को ग्रामीण लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करूंगा। तो क्या लग रहा है अभी तक जो सात निश्चय का काम था उसको धरातल पर नहीं उतारा गया इस बार? सात निश्चय का काम जो हमारे पंचायत में किया गया है इसमें बहुत ज़्यादा घपला किया गया है और लोगों को अपमानित किया गया है। यहाँ सात निश्चय में जहाँ तक कि यहाँ जांच किया जाए, यदि पदाधिकारियों का जांच किया जाए तो इतना घपला इसमें हुआ है सात निश्चय में कि अभी तक जल नल का कार्य जो है, जबकि सरकार का ही घोषणा है और सरकार का मुख्य एजेंडा था कि हम हर गांव को जल नल से परिपूर्ण करूंगा और उसके लिए सरकार खर्च भी की और उसका सारा पैसा हमारा मुखिया यहाँ जितना मैंने घपला किया उससे ज़्यादा कोई पंचायत में हमारे प्रखंड में अराजकता नहीं हुआ है। किन मुद्दों को लेकर आप इस बार चुनावी मैदान में? मैं वही मुद्दा लेकर के चुनावी मैदान में हूँ कि देखिए यहाँ इतना न अपमानित लोगों को किया गया है कि वृद्धा पेंशन ऐसा लाभकारी योजना जो कि तमाम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा कुछ योजना है लाभकारी तो वृद्धा पेंशन है। जो बूढ़ा बूढ़ी जिसका बेटा इंजीनियर भी है और उसका भी वृद्धा पेंशन का ज़रूरत है और उसको आज तक वृद्धा पेंशन काटने छोड़ा करके जोड़ने का काम अगला मुखिया नहीं किए हैं। हम बहुत बृहत रूप में वृद्धा पेंशन और बीपीएल में लोगों को जोड़ा था, लेकिन हमारा वर्तमान मुखिया जो अभी हैं उनको जरा सा शर्म भी नहीं लगता है कि हम गरीब गुरबा का वृद्धा पेंशन काट करके और उसका बीपीएल का काट करके और अपने को नेतृत्व। वर्तमान मुखिया का कार्यकाल कैसा रहा है और अब जो चुनाव आ गया है तो किस पक्ष की ओर हवा भी बह रही है? अभी तो फिलहाल जो पंचायत का दशा है वो तो बहुत बेकार दशा है, देखने लायक है। जैसे में यहाँ जो भी सरकार का सात निश्चय का काम जो हुआ उसमें बिल्कुल अधूरा हुआ है। उदाहरण स्वरूप में वार्ड नंबर एक है गौछी चक ग्राम, वहाँ पर महादलित टोला है, वहाँ पर अभी तक पानी का इतना किल्लत है कि मत पूछिए। वहाँ का ग्रामीण जनता जितना है जो सब त्राहिमाम में है। इसके लिए हम उच्च पदाधिकारी के यहाँ भी आरजू विनती किए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मिलने के बावजूद भी नहीं कोई अभी तक वहाँ निदान निकला है। वहाँ पर एक बूंद भी नल जल का पानी अभी तक नहीं आया है। वहाँ का बोरिंग
वहाँ के बोरिंग, वहाँ अभी जो वर्तमान उप मुखिया हैं वो अपने गांव में लेकर के चले गए और वहाँ बोरिंग करा लिए। महादरी टोला कोई देखने वाला नहीं? हाँ, कोई देखने वाला नहीं है। अधिकारी भी कोई सूद नहीं ले रहे हैं? कोई नहीं ले रहे हैं। इसके लिए वीडियो का घेराव भी किया गया है वीडियो साहब का, वहाँ के ग्रामीण जनता के द्वारा तसला माथा पर सब लेकर के, फिर भी कोई अभी तक उसका निदान नहीं हुआ। इसका कंप्लेन मैं लिखाया हूँ खुद जाकर के हिलसा SDO साहब के यहाँ, स्कूटी इंजीनियर साहब से मिला हूँ, जेई साहब से बात किया हूँ, लिखा दिया हूँ कंप्लेन, इसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ है। और जो भी और भी नल जल हुआ है वो आज तक के घर में पानी पहुँच ही नहीं रहा है, तो फिर क्या विकास हुआ भाई? पंचायत के वर्तमान मुखिया जी के द्वारा क्या विकास हुआ? वो तो अधूरा ही रहा। इसके पहले जो 2011 से 2016 में जो मुखिया थे वैजंती माला पति अशोक कुमार, समझे, उनके रीजन में जो कार्य हुआ, जैसे वृद्धा पेंशन बृहद पैमाने पर हुआ, इंदिरा आवास का काम भी हुआ, बहुत सारा हुआ है, और विधवा विकलांग पेंशन भी हुआ है, नली गली का काम भी हुआ है, बहुत सारा है, जो कि BPL वगैरह का ये सब सारा काम हुआ है, बृहद पैमाने पर किया गया, सबको सबको देख करके, ऐसे नहीं कि किसी का मुंह देख करके किया गया, सभी का विकास हुआ, सभी जाति समाज को। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उमेश कुमार हुआ। कौन सा गांव? ग्राम महमदपुर हुआ। ऐसे हम राष्ट्रीय जनता दल के पंचायत अध्यक्ष भी हुए। इसी प्रकार की आने वाली हर छोटी बड़ी ताज़ा खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बिहार TV को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।